करना पड़ेगा मेरे को। दिल लगा हुआ है आ जा दीपक। हाँ भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, कोरबा को भय आतंक, प्रशासन जो निरंकुश और अवैध वसूली में है उसको जनहितकारी और जवाबदेह बनाने के लिए माटी मंच काम कर रहा है। विशेष तौर पर झुग्गी झोपड़ी वासियों की जो लड़ाई लड़कर हमने उन्हें 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए और पट्टा दिलाने का जो आदेश कराया है, यहाँ के भ्रष्ट राजनीति उस पैसे को वापस न ले जाए और कोरबा की गरीब जनता के साथ छल न हो, इसलिए चुनाव मैदान में है। उन सबको मकान का पट्टा का जो आदेश हुआ है उसका क्रियान्वयन होके उनको पट्टा मिल जाए, साथ में 2.5 लाख मिल जाए, इसलिए विशेष तौर पर हम लड़ाई मैदान में। गलत है, विधायक के प्रति दिखता है, भ्रष्टाचारी विधायक के विरोध में दिखता है और छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के पक्ष में दिखता है। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आप आम जनता के पास? मैं गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को पट्टा दिलाना का जो आदेश है 2.5 लाख रुपए दिलाना, प्लस बिजली बिल के जो झटके लग रहे हैं उससे लोगों को मुक्ति दिलाना और कोरबा का सर्वांगीण विकास करना, गड्ढा मुक्त शहर बनाना और विशेष तौर पर रेल सुविधा और कोयला परिवहन का अलग से मार्ग बनाने के साथ कुछ इस तरह के मुद्दे हैं कि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। आपको क्या नहीं लगता कि किसी पार्टी से अगर टिकट मिली होती तो कुछ अच्छा प्रतिसाद मिलता आपको? पार्टी की विचारधारा में आने के साथ भाजपा के साथ आता तो मैं दारू का विरोध नहीं कर सकता था, डीजल के 150 रुपये, पेट्रोल के 150 रुपये जो लीटर होने जा रहे हैं उसका विरोध नहीं कर सकता था। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी और पर्याय है, इसलिए उसका विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने निर्दलीय लड़ा। और आप वाकिफ हैं कि एक पार्टी ने मुझे टिकट दिया जिसको मैंने ठुकराया है।